रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसको पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ और अब दोबारा से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप इसे चम्मच के साथ खाएं, और इसके साथ अगर आप कोई सलाद वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और पानी इस दौरान आपने बहुत पीना है तो आपका वज़न डेफिनेटली कम होगा। इसके अंदर ये चार किस्म की दालें ऐड करनी है, 3 टेबलस्पून ईच होनी चाहिए। और इसके अंदर मैं कोई गंदम और चावल वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। 2 पैकेट मैं ये ओट्स डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आपके पास ये वाले नहीं है तो आप खुले डाल सकते हैं। 54 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे, 1 पाव हड्डी वाला गोश्त नहीं इस्तेमाल करना। ये मसाले आप नोट कर लीजिए। ये मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन के अंदर और उसको बॉयल करूँगी। धनिया, ज़ीरा, सुर्ख मिर्च और हल्दी जो है वो हम बाद में दाल के अंदर डालेंगे। 1 प्याज को बारीक स्लाइस कर लेना है और 1 टेबलस्पून हमने ऑलिव ऑयल लेके उसके अंदर इस प्याज को ब्राउन करना है। इसमें से टमाटर, अदरक और लहसुन जो है हम दाल के अंदर डाल देंगे पहले, और बाकी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और 1 टुकड़ा अदरक का उसको हम स्लाइस करके बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तमाम दालों को अच्छी तरह से धोने के बाद इनको भगो देना 1 घंटे के लिए, और दलिये को भी तकरीबन आधा घंटा पहले आप पानी में भगो दें। 1 पैन में 1 ग्लास पानी में साबुत मसाले डालें, उसके साथ हल्दी भी और नमक डाल के, तो उसके अंदर बोनलेस ब्रेस्ट जो है वो डाल दें और उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें। प्रेशर कुकर के अंदर 3 ग्लास पानी डालें, जब वो उबल जाए तो उसके अंदर अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी और मिर्चें भी डालनी है। मैं मिर्चें भी नहीं डाल रही क्योंकि मैंने अभी बेटे के लिए निकालनी है, तो आपने स्टेज पे मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। टमाटर का छिलका उतार के उसे भी बारीक काट के साथ डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जब ये उबलने लगे तो आपने इसको प्रेशर दे देना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप अपने कुकर के हिसाब से देख लीजिए जितनी देर में ये गल जाएंगी। वैसे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी गल जाती हैं, तो आपने इसको प्रेशर इतनी देर ही दे लेना है। प्रेशर कुकर खोल लिया है, दालें हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं, और अभी हम चिकन को भी देख लेते हैं, वो भी गल चुका है। इसकी भी यखनी छान के अलग कर लेंगे और बोटियां जो है उनको श्रेड कर लेना है। यखनी को आपने संभाल के रखना है, इसको ज़ाया नहीं करना। इसके अंदर हम वो दलिया जो है वो कुक करेंगे। अब इस यखनी के अंदर हमने दलिये को डाल के तो तकरीबन 5-7 मिनट के लिए कुक करना है। अगर हम इसको डायरेक्ट दाल में डाल देंगे तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा, और अगर ये नीचे लग के जल जाए तो दलीम का टेस्ट जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। इधर हमारी दालें जो वो अच्छी तरह से गल गई हैं। मैंने सारी दालों को चेक कर लिया है, और आपने यहाँ पर इनको अच्छी तरह से चम्मच के साथ मैश करना है। और जब ये मैश हो जाए तो इसके अंदर चिकन श्रेड किए हुआ डाल दें, और साथ ही थोड़ी देर हिलाने के बाद आपने दलिया डाल देना है। अब सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएंगी, तो दलीम का असल जो है वो शक्ल निकलनी शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर धनिया पाउडर और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको पीस के वो ऐड करना है, और उनको अच्छी तरह से मिक्स करके देख लें। अगर नमक पर आपको स्टेज पर कम लग रहा है तो आपने इसके अंदर ऐड करना है, और फिर यखनी में जो मैंने दलिया पकाया है उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तलीम को आप छोटे कंटेनर्स में डाल के तो फ्रीज़ कर लें, और जब आपको दिल करे तो आप इसको माइक्रोवेव में अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह छिड़क के सलाद के साथ खाइए। अभी जो है वो हमारा तलीम वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर जा चुके हैं। अभी जो मरहला है वो है गार्निश का। ये आप अपनी मर्ज़ी से करें, यहाँ तक ये बहुत ही मज़ेदार सा डिश आपकी रेडी है वेट लॉस के लिए। इसके अंदर अभी तक कोई ऑयल नहीं डला हुआ और कुछ भी नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिक्स दलीम खाना है तो आपने इसके अंदर हैंड बीटर से या किसी तरह इसको मैश कर लें अच्छी तरह से।
ये आपके अपने टेस्ट पे है कि आपको किस तरह का पसंद है। मुझे इसी तरह पसंद है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आपने यहाँ पे हैंड बीटर से इनको मिक्स करना है तो भी कर सकते हैं। एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में प्याज को स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये एक टेबल स्पून मैंने जो ऑयल यूज़ किया है ये सिर्फ़ प्याज ब्राउन करने के लिए किया है, तो वो आप अगर प्याज नहीं डालना चाहते तो फिर आपका जो दलीम है वो आप ऐसे ही खा सकते हैं। यहाँ पे वेट लॉस के लिए एक और टिप आपको देती चलूँ कि आप अपने लिए एक छोटा छोटी प्लेट या बाउल जो है वो रख लें, आप रोज़ उसी में खाना खाया करें। अगर आप तो कोई सालन खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं तो उसी के साथ आप उनको मैयर करके खाएँ, और ज़्यादा सलाद हो और कम वो चीज़ जो आपने पकाई हुई है वो कम हो तो आप यकीनन वेट लूज़ करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा और इतना मज़ेदार है कि आप ज़रूर यकीनन इसको बनाना चाहेंगे। इसके साथ आप सलाद भी खा सकते हैं, और ब्राउन राइस अगर आप बॉईल करके खा लें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना वैसे भी चम्मच के साथ खाएं तब भी ये आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। आप ये वाली रेसिपी अपनी डाइट के दौरान इस्तेमाल कीजिए, जब आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या किसी और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।